14 क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है डिफरेंशिएशन इक्वल टू आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखो ये डिफरेंशिएशन 1/2 को बाहर लें तो x के साथ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी है, और ये ए स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट है तो इनफैक्ट डिफरेंशिएशन तो हमें जस्ट साइन वर्स एक्स अपॉन ए का करना है, ठीक है। ये टू एक्चुअली मैंने कॉमन लिया, तो मैंने यहाँ का अलग लिखा हुआ है, यहाँ का अलग, पूरे का भी कॉमन ले सकते हो आप इसमें, ठीक है। लो पूरे में से कॉमन ले लेते हैं तो ये वाला टू भी खत्म हो जाएगा अब, ठीक है। आप देखो हमारे पास 1/2 है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट लिखा सेकंड क्या है अब मेरे लिए, सेकंड मेरे लिए क्या बन गया रूट एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका बॉक्स का, बॉक्स में कौन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। फिर सेकंड को लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो गया। अब आती है बारी साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 − x², और डिफरेंशिएशन किसका बॉक्स का, बॉक्स में कौन एक्स बाई ए, हाँ 1/a हो जाएगा, 2 से 2 गया, हमारे पास ऑलरेडी है 1/2 एक्स, और एक्स से आया माइनस का एक्स स्क्वायर, रूट में आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में आया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आप देखो इस ए से तो ये कैंसिल ही हो रहा है, यहाँ बचा हुआ है सिर्फ ए, डिफरेंशिएशन एक्स का कितना हो जाएगा 1, और अगर मैं एलसीएम लूँ तो बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में क्या है ए स्क्वायर, जब ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए बन जाएगा, और ये ए ऊपर जाएगा तो ए के साथ मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले से सेपरेट लिखा हुआ है बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप एक बार देखो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चलो जी, तो आप देखो ऊपर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पर अपॉन में तो रूट है और हम जानते हैं अगर एक्स के अपॉन में रूट एक्स हो तो वो रूट एक्स ही हो जाता है, क्योंकि एक्स को लिख सकते हो रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो अब ये बन गया हमारे पास 1/2 के साथ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से आ गया रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दो बार आया तो बन गया 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में आया 2 से गया 2 तो बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।